हेलो फ्रेंड, आ गए हम एक नई रेसिपी के साथ। तो ये देखिए, हमने भुट्टे लिए हैं। भुट्टे से हम ये चाट बनाएंगे। तो देखिए, हमने 5-6 भुट्टे को ऐसे, उसके दाने को हमने निकाल लिया है। अब इसको हम एक कुकर में ऐसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। और हमने यहाँ थोड़ा सा ये चना लिया है, ये भीगा हुआ चना है। इसको हमने अच्छे तरह से धो लिए हैं। और हमने ये दो गाजर लिए हैं, इसको भी हमने धो लिया है। और इस गाजर को रूट वाले पार्ट को निकाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे इसको भी। और इसमें हम 2 गिलास पानी डालेंगे। देखिए, हम 2 गिलास पानी डाल लेते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1 चम्मच नमक है, इसको भी डाल लेंगे। और ऐसे हम एक बार मिला लेंगे। तो अब इसको हम ढक्कन बंद करके गैस को चढ़ा देंगे और 5-6 सीटी आने देंगे। तो देखिए, हमारा 5-6 सीटी हो गया है। अब ये तो देखिए फ्रेंड, ये मकई हमारा पक के तैयार हो गया है। देखिए, चने भी अच्छी तरह से गल गए हैं। तो देखिए, अच्छा सा पक गया है ये भी, और गाजर भी हो गया है। अभी हम गाजर के छिलकों को निकाल लेंगे। इसी तरह आसानी से निकल जाएगा ये छिलका। तो देख सकते हैं, हमने निकाल लिया है। और एक हम ये बर्तन लेंगे और इस पर ये होल वाला झन्नी रख देंगे। और हम ये भुट्टे के दाने को निकाल लेंगे, ऐसे इसके सब पानी को छान लेंगे। तो देखिए, हमने सारे भुट्टे को डाल लिए हैं। अब इसको भी हम ऐसा पानी को निचोड़ने देंगे ताकि सब पानी निकल जाए। तो हमारा ये पानी तब तक सूख रहा है। अब हम तब एक गाजर को काट लेते हैं। और हमने 1 प्याज, 2 हरी मिर्च और कड़ी पत्ता लिए हैं। इन सब चीज़ों को हमने काट लिया है पहले। अब ये गाजर को भी हम ऐसे छोटे पीस में काट लेंगे। तो देखिए, हमने सब चीज़ों को काट के तैयार कर लिए हैं। हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो देखिए, हमने तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम जीरा सरसों का तड़का दे देंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता, ये सब चीज़ों को डाल देंगे। इसको भी हम थोड़ा भूनेंगे। प्याज को हमें थोड़ा ही भूजना है, इसका बस कच्चापन निकल जाए उतना ही इसको भूजेंगे। खाली इसका क्रिस्पी हो जाए बस थोड़ा। अब इसमें हम ये जो हम भुट्टे हैं इसमें डाल देंगे। तो देखिए, इन सब चीज़ों को हमने डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने पहले उबालते हुए ये भुट्टे में डाले थे नमक, कोई वो हिसाब से हम नमक डालेंगे। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ये लाल मिर्च डाल लेंगे और चाट मसाला डाल लेंगे 1 चम्मच। चाट मसाला डालने से अच्छा फ्लेवर आता है। अभी इन सब चीज़ों को हम ऐसे चला लेंगे। तो इसको हम लो मीडियम पे करके 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। इसको चलाते रहना है। तो देखिए, हम थोड़े थोड़े देर पे इसको हम चलाते हुए पका लेंगे। तो देखिए, ये चाट हमारा बन के रेडी हो गया है। अब लास्ट में ये गाजर डालेंगे और इसको भी हम 1 मिनट तक ऐसे चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसमें मसाले भी भीग जाए। देखिए, हम ये सारे चीज़ें अच्छी तरह से पक गए हैं। अब इसमें हम ये नींबू डालेंगे आधा। इसे हम कलछिल पे ऐसे नींबू एक बार निचोड़ लेंगे ताकि इसका बीज निकल जाए। और फिर उसके बाद ऐसे डाल लेंगे। तो देखिए, अब इसको हम ऐसे मिला लेंगे एक बार सब अच्छी तरह से। अब इसको हम दूसरे प्लेट में ऐसे निकाल के गार्निश कर लेते हैं। तो देखिए, अब इसमें हम ये आधा कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज है, इसको डाल देंगे। और टमाटर को से इसको हम सजा लेंगे। आप चाहे तो हरा धनिया डाल सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये रेसिपी बनके तैयार हो गया है। कितना अच्छा चाट बनके रेडी हो गया है भुट्टे का।
इसी तरह आप भी ट्राई करिए अपने घर में, ये खाने में बहुत अच्छा रहता है। अगर मेरा वीडियो देख के पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।